बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का टॉपिक है हाउ टू बॉन्ड अ न्यू पेयर। आपने ये वीडियोस पहले भी बेशुमार दफ़ा देखे होंगे। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे न्यू ब्रीडर के हवाले से, तो मुझे एक चीज़ उनको ये बतानी थी कि अक्सर कहा जाता है कि एक छोटे से पिंजरे के अंदर आप अपने बर्ड्स को छोड़ दें और उसके बाद आपका पेयर बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा कि एक छोटे पिंजरे में पेयर को रख दें तो वो बॉन्ड हो जाता है, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड को बड़े पिंजरे से निकाल के छोटे में शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है वो स्ट्रेस में आ सके। अब जैसे कि आप साइज़ देख रहे हैं, इसका 1.5 फीट चौड़ा है, 3 फीट फ्रंट है और 3.5 फीट ही इसकी हाइट है। अब इससे क्या होगा कि ये बर्ड बीच में पार्टीशन दिया गया है, तो इससे ये ज़ाहिर बात है हमारे केजेस 2 या 2.5 फीट के होते हैं और उसमें ये एकदम से इसको ये नहीं लगेगा कि मैं एक छोटे से पिंजरे में आके कैद हो गया हूँ। तो यहाँ हमने इसको बड़ा ही पिंजरा दिया है, लेकिन हमने स्टिक एक दी है आप देख रहे हैं, और हमने इसको अपनी एवरी के बीच में रखा है। आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ये इशू हो सकता है या होता आया होगा कि वो अपने घर में नहीं रख सकते पिंजरे, तो वो अपनी एवरी के बीच में रख सकते हैं। अब आप एक चीज़ में देखेंगे कि वो नई चीज़ क्या है इस वीडियो में, कि आप देखें हमने किस स्टिक लगाई है ताकि जाली का मुंह खोल सकें। ये हमने क्यों लगाया? ये हमने इसलिए लगाया है कि बर्ड अगर बाउंड हो जाएगा तो वो आपस में एक दूसरे को फीड करा सकता है। इतना स्पेस दिया गया है, ये एक नई चीज़ है। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पेयर बाउंड भी होगा और एक दूसरे को फीड भी कराएंगे। तो आप अगर अपने बर्ड को प्रॉपर उसी माहौल में रखें जहाँ से वो, जिस पिंजरे से आया है, और उसको थोड़ा टाइम दें और एक स्टिक लगाएं ताकि वो आपस में बॉन्ड हों तो एक दूसरे के साथ बैठ सकें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पिंजरा आपको बड़ा देना चाहिए, पार्टीशन रखना चाहिए और जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक महंगा पेयर है। आप देख सकते हैं कि हमने बड़े पिंजरे में अपने इस डनफेलो के पेयर को रखा है, क्योंकि महंगा पेयर है, फीमेल नॉर्मली मेल को मार देती हैं, तो इसलिए हम इसको टाइम देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बाउंड हो सकें और हमें आगे वो रिज़ल्ट दे सकें जो हमने सोचा है। तो ये वीडियो बनाई इसलिए गई थी कि अगर आप इस तरह बड़े केजेस में अपने बर्ड्स को रखेंगे तो उसको फ्लाई करने में भी आसानी रहेगी और बर्ड आपका स्ट्रेस में भी नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। Thanks for watching House of Nutrition World. Allah Hafiz. बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।